के इंग्रेडिएंट्स है। कैप्सिकम है ये फ्लैट, और ये अनियन है, और ये चिकन है, और ये पिज्जा सॉस है। ये चीज है, और ये है पिज्जा को दो। अब ये मेरे चाची ने बनाई है, और ये भी चाची ने बनाई है चिकन। और हम लोग तो अभी छोटे हैं, हम लोग बना नहीं सकते चिकन। अभी मेरी चाची मुझे लौट करके देंगे, फिर मैं इसको डेकोरेट करूंगी। आप मुझे देखते जाए, देखना कोई पिज्जा अच्छा डेकोरेट करूंगी। अभी मैं ना गाइस मेरी डो अभी बन रही है। गाइस मेरी भी डो आ गई है। मैं इसमें अभी मैं एक पे लगा रही हूँ। देखिए गाइस, मुझे देखते हैं ना, और मेरे भाई को भी देखें। अभी मैं तुम्हारे के खंडे को लाइक करती हूँ। अभी मैं कैप्सिकम सबसे पहले रखूंगी, फिर अनियन। फ्रेंड्स अभी हम इसमें चीज डालेंगे, यम्मी यम्मी। इग्नोर कर देना, हमारे घर में छोटी बच्ची है ना, वो आयशा बेचारी। हम इसको बेक करने के लिए ओवन में रखेंगे आधे घंटे के लिए, तक ओवन में 8 मिनट के अंदर तक गए। गाइस इसकी जो फाइनल लुक आएगी, फिर आप बताना हमें किसकी अच्छी है, किसका नॉर्मल है। फ्रेंड्स ना पिज्जा लगी हो गया वो मैंने मतलब तो बहुत गर्म है, अभी तो ओवन से निकला था, अभी मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। एंड शॉट बॉय की पिज्जा तो शायद ठंडी ठंडी खो दे। मैं तो थक गई भाई साहब, अब इसको टेस्ट करूंगी। गाइस अब इसको टेस्ट करूंगी। हाँ हाँ यम्मी है ये तो। आप अपने घर पे ट्राई करिएगा, कोडिंग वालों का भी एक बोल के पिएंगे। मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कैसे लगा मेरा पिज्जा का ब्लॉग। फिर गए टाइम पे लाइक करें, शेयर करें।